क्लास। पिछली क्लास में हमने नज़म मेरी प्यारी अम्मा के अशार की तशरीहा की थी, मरकजी ख्याल किया था। आज बच्चों हम सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। आपने सवाल जो है किताब से खुद कॉपी डाउन करेंगे आप लोग, और फिर मैं आपको जवाब लिखाऊंगी। आपने पहला काम क्या करना है, सवाल कॉपी डाउन करिए। पेज नंबर 31 से आपने सवाल नंबर 1 तो हम मरकजी ख्याल का बच्चों कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सवाल नंबर 2, ठीक है। सवाल नंबर 2, ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा, बचपन में अच्छे बुरे की पहचान ना होने की कोई दो मिसालें दीजिए। इस सवाल का जवाब मैंने बोर्ड पर तहरीर किया हुआ है, आप बोर्ड से देखकर इसको कॉपी डाउन करें। सवाल नंबर 2 का जवाब लिखिए, मैं आपको रीड भी कर देती हूँ। सवाल नंबर 2 का जवाब, ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा की दो मिसालें ये हैं। ना अच्छे बुरे की थी पहचान अम्मा की दो मिसालें ये हैं। नंबर 1, बचपन में हर बच्चे को खेलकूद पसंद होता है, पढ़ाई से वो दूर भागता है, मगर माँ इसको पढ़ने लिखने की ताकीद करती है। एक ये मिसाल हो गई। और दूसरी मिसाल, बच्चे को ये भी मालूम नहीं होता कि उसको कौन से रास्ते पर चलना चाहिए और कौन से नहीं, नेकी का रास्ता कौन सा है और बदी का कौन सा, ठीक है। ये आपने सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद सवाल नंबर 3 कॉपी डाउन करिए। मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया, इस मिसरे का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया, इस मिसरे का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए। इसका जवाब भी मैंने बोर्ड पर तहरीर किया हुआ है। मुझे सुख दिया आप है दुख उठाया, इस मिसरे का मतलब ये है कि माँ हमारे आराम व चैन के लिए अपनी रातों की नींदें हम पर कुर्बान कर देती है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सवाल नंबर 3 का आपने ये जवाब नोट किया। अच्छा, अब सवाल नंबर 4 देखिए। किसी नज़म का वो हिस्सा या टुकड़ा उसमें 3 या उससे ज़्यादा मिसरे शामिल हों बंद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बंद की डेफिनेशन दी है, आपको सवाल नहीं है ये, बल्कि ये बंद की डेफिनेशन है दी हुई है। और तो आपको मालूम ही है शेर किसे कहते हैं और बंद किसे कहते हैं। जिसमें 2 मिसरे हों वो शेर कहलाता है, और जिसमें 2 से ज़्यादा मिसरे हों वो बंद कहलाता है। तो इस नज़म में आपने नोट किया होगा, जब हम नज़म हम की तशरीह की थी तो हमने ऊपर शेर लिखा था, लेकिन इस वाली नज़म में हमने क्योंकि मिसरे 3 थे, ठीक है, तो हमने इसको बंद लिखा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा बच्चों, अब सवाल नंबर 4 देखिए। 4 देखिए, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। कॉलम बनाइए, अल्फाज कॉपी डाउन करिए, और 2 कॉलम बनाएंगे, एक में आप अल्फाज लिखोगे और दूसरे में आप लिखोगे जुमला, ठीक है। अल्फाज और जुमले आप करते हैं ना जी क्लास। अब हमने सवाल नंबर 4 करना है। इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मैंने अल्फाज जुमले आपको बाकायदा बोर्ड पर तहरीर कर दिए हैं, आप चाहें तो खुद भी बना सकते हैं अपने अल्फाज अपने जुमले, ठीक है। नंबर 1 है आपका ताकत। बुढ़ापे में जिस्मानी ताकत में कमी आ जाती है, बुढ़ापे में जिस्मानी ताकत में कमी आ जाती है। जुमला नंबर 2 है निगहबान। निगहबान क्या मतलब है, हिफाजत करने वाला। और जुमला क्या है इसका, अल्लाह ताला हम सब का निगहबान है। जुमला नंबर 3 देहान, हमें अपना सारा देहान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। जुमला नंबर 4 उम्र, छोटी उम्र में अकल कम होती है। और फिर नंबर 5 है ज़माना, आजकल मोबाइल का ज़माना है, ठीक है। इस तरह अल्फाज जुमले का काम भी आपने कर लिया। अच्छा, अब देखिए सवाल नंबर 4 के बाद सवाल नंबर 5, ठीक है। इसमें आपको खाली जगह दी हुई है और ये मुतशाबा अल्फाज है, ठीक है। मुतशाबा अल्फाज किसे कहते हैं, मुतशाबा अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनका तलफ़ जो है बोलने में एक जैसा मालूम होता है और उसमें शुबा होता है ना, मेरे से काबिल काबिल, दो तरह के काबिल है, एक काबिल के मायने अलग हैं, दूसरे काबिल है, सही। तो यहाँ खाली जगह में दुरुस्त इमने के अल्फाज को चुनकर लिखिए। नंबर 1 देखिए,
हमारे उस्ताद बहुत डैश हैं। इसमें कौन सा आएगा? ऑब्लिक के दो काबिल और काबिल लिखा हुआ है, काफ वाला काबिल, काबिल मतलब लायक, ठीक है। अब फिर है नंबर दो, ये डैश कब का है? वाक़े और वाक़या, क्या आएगा? दूसरा वाला वाक़या। मैं ये किताब आपकी डैश कर रहा हूँ, एक ज़ोय से नज़र है और दूसरा ज़ाल से नज़र है, कौन सा आएगा? ज़ोय से नज़र जो है वो बिनाई है, ठीक है बच्चों, और जो ज़ाल से नज़र लिखा हुआ है उसका मतलब पेश करता हूँ, नज़र करना, पेश करना। मैं ये किताब आपकी नज़र कर रहा हूँ। फिर नंबर चार देखिए, गरीबों को खाना खिलाना डैश का काम है, सुवाद से सवाब लिखा हुआ है और से सवाब लिखा हुआ है, कौन सा वाला आएगा? से वाला सवाब। फिर नंबर पाँच देखिए, मुझे सेब का डैश बहुत पसंद है, मुरब्बा लिखा हुआ है ऐन से और एक बग़ैर ऐन वाला, तो कौन सा आएगा? बग़ैर ऐन वाला मुरब्बा, ठीक है। मुरब्बे आप खाते हैं ना, आम का मुरब्बा भी खाते हैं, तो यहाँ बग़ैर ऐन वाला मुरब्बा है। ये एक्टिविटी, ये फिलिंदा ब्लैंक्स आप करके मुझे शो करेंगे, ठीक है, और फिर करके फिर मैं दिखाएंगे। अच्छा, अब पेज पलटिए, पेज नंबर आ जाइए 32 पर, सही 32 पर आपको रदीफ़ और काफिया, रदीफ़ और काफिया के बारे में बताया हुआ है। रदीफ़ का, रदीफ़ वो लफ्ज़ है जो मिसरे के आखिर में बार बार आए, रदीफ़ कहलाता है। अभी आपने नज़म पढ़ी, ठीक है, इस नज़म के आखिर में एक लफ्ज़ बार बार आ रहा था, ठीक है, क्या आ रहा था? अम्मा, है ना, बार बार कौन सा लफ्ज़ आ रहा था ज़्यादातर? अम्मा। तो अम्मा जो है वो पहले और दूसरे मिसरे का रदीफ़ किया है, अम्मा है, ठीक है। फिर चौथे मिसरे की रदीफ़ क्या है? फिर आया, पांच, इस तरीके से। अच्छा, जो भी आखिरी लफ्ज़ होता है किसी भी नज़म में इस्तेमाल होने वाला वो रदीफ़ कहलाता है। अच्छा, इस नज़म के पहले दो अशार की रदीफ़ है अम्मा, काफिया वो लफ्ज़ रदीफ़ से पहले आता है, काफिया कहलाता है। जो हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम आवाज़ अल्फाज हैं, वो काफिया कहलाते हैं। मसलन आन, निगेबान, पहचान, देहान, इन सब का साउंड एक ही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है? आपको ना, मैंने काफिया के बारे में बता दिया, मैंने आपको रदीफ़ के बारे में बता दिया, अब ये आपकी एक्टिविटी है, ठीक है, बल्कि मैं ये आपको टेस्ट के तौर पे दे रही हूँ, ये आपने नज़म खुद लिख। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी कि सरगर्मी है ये, आपको एक तरह से टेस्ट पे आपको नंबर दूंगी मैं इसमें, आपको कंप्यूटर पेज पे आपने नज़म खुद लिखनी है, नज़म निगारी लिखना है, खुद से आप नज़म बनाएंगे। आपको मैंने समझा दिया ना कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे एक नज़म दिखाई हुई है, मेरी अम्मी, प्यारी अम्मी, प्यारी अम्मी, इस तरीके से एक नज़म यहाँ पे एक बच्ची ने लिखी है। आप भी जो है अपने ख्यालात को और जुमलों को अपने साथी की मदद से रदीफ़ और काफ़िया के साथ मिलाकर एक नज़म बना सकते हैं, ठीक है। पहले आप रदीफ़ और काफ़िया सोच लीजिए इसका रदीफ़ क्या होगा आखिर में, जैसे इस नज़म में देखिए मेरी अम्मी आ रहा है, सही, तो आप भी एक अपनी जो नज़म बनाएं जिसमें आप अम्मी लिखना चाहें आखिर में, और इस तरीके से आप एक नज़म लिख सकते हैं। तो ये कंप्यूटर पेज पे करना है आपको, कलरफुल पेज पे करना है, और बहुत अच्छी आपने नज़म खुद से लिखनी है, और फिर जो है वो आप मुझे उसको शो करेंगे, सही, और फिर मैं आपको इसके नंबर दूंगी, सही, जो कि आपके मंथली टेस्ट में नंबर जो है ये काउंट होंगे, ठीक है, जब वो मंथली टेस्ट होगा उसमें ये नंबर काउंट होंगे, सही। अच्छा बच्चों, अब जो है ना ये वाला काम भी अच्छा। एक और बात मुझे आपसे कहनी थी, पेज नंबर 30, पेज नंबर 30 पे मैंने आपको मारूज सवालात भी करवा दिए थे, ये आपने मुझे करके नहीं दिखाए, कुछ बच्चों ने दिखाया है काम और कुछ बच्चों ने काम नहीं दिखाया, तो ये वाला भी सवाल जो है, ये जो फिरिंदा ब्लैंक्स थी, मारूज सवालात थे कि नज़म किस ज़बानी है, ये दायरे में कलर भरना था, ये वाला भी काम आपने मुझे करके नहीं दिखाया, सिर्फ एक दो बच्चे ही हैं ऐसे जो काम करके दिखा रहे हैं, तो बाकी तमाम बच्चे कहाँ हैं, उन सबको काम करना है। पूरे आज चैप्टर नज़म जो है पूरी मुकम्मल हो गई है, तो सारे काम आपने करने हैं। सफ़ा नंबर 30 पर जो मौलवी सवाल आते हैं वो भी आपको करना है, फिर जुमले तो मैंने आपको खुद बोर्ड पे करा दिए हैं, फिर आपने मुतशाबा अल्फाज की जो मशक है वो करनी है, और साथ साथ आपने नज़म निगारी जो है वो कंप्यूटर पेज पे करके आपको एक जगह रखनी है, और फिर वो जो है उसकी पिक मुझे भेजनी है, फिर मैं उसको आपको नंबर दूँगी जो कि मंथली टेस्ट में जो है वो काउंट होंगे। और ये कंप्यूटर पेपर आप जब आपकी कॉपियां भी आ गई हैं, ठीक है,
कॉपियाँ आप जब मिडिल स्कूल से ले लेंगे तो उस पर भी आप ये कॉपी पे अटैच कर देंगे, सही, क्योंकि जितना काम हो चुका है ये काम रिपीट नहीं होगा, दोबारा कोई टीचर काम नहीं कराएगी, जो तो पढ़ाया जा चुका है वो सारा काम आपके पास मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नज़्म जो है मेरी प्यारी अम्मा का काम मुकम्मल हो गया।